शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने रविवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक कुछ सप्ताह पहले ही वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। उनका निधन किन कारणों से हुआ अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। झुनझुनवाला 62 साल के थे। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6:45 पर उनका निधन हो गया। झुनझुनवाला के परिवार में उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला, बेटी निष्ठा और दो बेटे आर्यमन और आर्यवीर है। झुनझुनवाला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, वह अद्भुत व्यक्ति थे, जीवन से भरपूर, हाजिर जवाबी और व्यावहारिक थे। उन्होंने कहा, झुनझुनवाला अपने पीछे आर्थिक दुनिया में अमिट योगदान छोड़ के गए हैं। वह भारत की प्रगति को लेकर बहुत जुनूनी थे। कई तरह के व्यापारों में निवेश करने वाले राकेश झुनझुनवाला ने हाल ही में आकाशा एयरलाइंस पर भी निवेश किया था। इसमें 40% हिस्सेदारी झुनझुनवाला के पास थी। यह निवेश ऐसे समय में किया गया था जब ज्यादातर विमानन कंपनियां घाटे में चल रही थी। आकाशा एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों के लिए अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी 72 बॉइंग 737 मैक्स विमानों को खरीदा था। राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार के सबसे बड़े निवेशकों में से एक थे। जब वह कॉलेज में थे तभी से उन्होंने शेयर मार्केट में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। यहां से स्नातक होने के बाद ही उन्होंने शेयर मार्केट में हाथ आजमाना शुरू किया। झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपए से निवेश की शुरुआत की थी। सितंबर 2018 तक यह निवेश बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए हो गया था। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में झुनझुनवाला की नेटवर्थ 43,000 करोड़ रुपए है। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।